सो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग जा रहे हैं अपने पाप धोने के लिए जो कि हिंदू धर्म में एक ही जगह में होता है। कहाँ पे होता है भाई? गंगा। ये दो मेरे द बॉयज, ये मेरा आलू और कचालू। आज हम लोग एग्जाम दे के निकले। कैसा गया भाई एग्जाम? किस सब्जेक्ट का था? ये देखो अभी पेपर दे के आए 10 मिनट पहले, और इन भैया ने हमें जो पेपर बताया वो आया ही नहीं है। तो अब देखते हैं, अभी मेट्रो तो आई नहीं बाकी। अब हम लोग जा रहे ट्रेन से, और ट्रेन की टिकट भी नहीं मिली हमें, इतनी बुरा हाल हमारा। देखो ये है बर्मिकॉन फ्रॉम पानीपत, और ये है दौलताबादिया पटरी, और अमू एच आर 26 के गीत अमू। चलो चलते हैं भाई। हम लोग पहुंच चुके न्यू दिल्ली स्टेशन। ये तू इतना सीरियस क्यों भाई? नहीं अच्छा। तू का जल्दी में भाग रहा है भाई, तुम्हारे पीछे पीछे चल रहे। डर मत भाई, नहीं आएगी तेरे मेट्रो, इतने देख गेट है यहाँ पे। पटरी पार का है ना तू, तेरे इसलिए तेरे ऐसी पटरी से डरता तू। बहुत पहन दिया फिर तक चैंपियन। टिकट का बता, देखते हैं भाई वहां मिलेगी। 16 नंबर गेट के भाई। 16 नंबर? हाँ, तो इससे नहीं जाएंगे अभी, डायरेक्ट अंदर एंट्री नहीं ले सकते जब तक टिकट नहीं होगी। ले सकते हैं भाई, डायरेक्ट एंट्री नहीं ले सकते, टिकट लेनी पड़ेगी। पहले टिकट लेते फिर मिलते हैं। सो हम लोग पहुंच चुके हैं, ये हमारी ट्रेन का देहरादून जंक्शन शताब्दी हटा दिया है, ये पूरा स्टेशन है। चलो भाई जल्दी जल्दी टिकट लो, प्रथम थल पर है टिकट काउंटर। तो गाइस अभी हम लोगों को टिकट तो मिली नहीं ट्रेन की, जनशताब्दी की एक्चुअल ना मिलती नहीं यहाँ पे, ना अनरिजर्व मिलती है ना रिजर्वेशन वाली मिलती है। रिजर्वेशन वाली वैसे अभी ना वेटिंग बहुत ज़्यादा, 150 वेटिंग दिखा रहा ऑनलाइन भी, इसलिए नहीं मिल रही। निराश होकर जा रहे भाई। अब जाएंगे हम ISBT, अगर वॉल्वो मिल गई तो वॉल्वो में जाएंगे, क्योंकि नॉर्मल बस में तो जाना अपने बस की है नहीं। तो अभी मेट्रो से जाते हैं ISBT तक, उसके बाद वहाँ पे जाके देखते हैं अब क्या मिलता है। वैसे ना एक इलेक्ट्रिक बस चली थी अभी नई, तो सोचते हैं उसमें जाने की सोची अब तक, तो देखते हैं अगर वो इस टाइम होगी तो उसी में जाएंगे। तन में ब्रो स्लाइड करना है यहाँ पे भाई, नहीं आया यार निराश होके वापस आ चुके मेट्रो में भाई लोग। बहुत उम्मीद है भाई, उम्मीद नहीं भाई, जाना ही जाना है, लटक के जाना पड़े आज। तो गाइस पहली बार जिंदगी में हमारे साथ हुआ है कि हम लोग वापस गुड़गांव के मेट्रो में बैठ चुके हैं। पता नहीं हम जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे भैया, सारे इंटेंशंस गलत हो रहे हैं। पहले कैब अजीब हो गई, फिर अब ये हो गया। चलो भाई ये देखो ऊपर गुड़गांव। तो भाई ये देखना, ये क्या आवाज़ कर रहा है, एस्केलेटर पता नहीं पड़पड़गंज। तो इस एस्केलेटर की बहुत बुरी हालत है, रेड लाइन का होगा ये। पहुंच चुके हैं हम लोग ISBT। ब्रो लाइफ में बहुत बीटी, वेलकम टू ISBT, सुन तो ले। लाइफ में बहुत बीटी, वेलकम टू ISBT। यो सो गाइस हम पहुंच चुके हैं ISBT, हम लोगों को वॉल्वो नहीं मिली तो हमारे साथ फिर से हो चुके बीटी। कितने रीटेक हो गए भाई? भाई रीटेक ये इसकी वजह से नहीं, ये हमारा भाई है ना, ये एक्चुअली अगर तो डकार मार देते। चलो फिर अभी जब बस चलेगी फिर देखते हैं, अब जाना तो भाई देखो जैसे मर्जी जाए, पहुंच के ही मिलेंगे। मतलब बीच में शॉर्ट्स तो लेंगे, ये क्या बोल रहा हूँ मैं अभी। चलो चलते हैं, चल चलो ये बस। जय माता दी भाइयों, जय माता दी भाइयों, जय माता दी। कर ले ले, बाल सेट कर ले तू पहले। तो अभी हमारी बस रुकी थी यहाँ पे, अरे पीछे कुछ दिख नहीं रहा, तो अभी हम यहाँ पे ऑमलेट खा रहे हैं, मैं दिखा दो बैक कैमरे से। ये भैया है, ऑमलेट खिलाएंगे बढ़िया सा, क्या बढ़िया मसालेदार, मजा आ जाए। यूपी का ऑमलेट, जी टाउन बॉयज इन यूपी। ठीक है भाई, आप तो पानीपत के हो भाई। बाकी अभी दिखा दो साइड का व्यू, दिखाता हूँ कहाँ गया। अरे 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 ब्रो 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 Snap bro. Snap 1, 2, where are you? तो यहाँ पे भी रुके थे खाने के लिए, पहले तो मुझे लगा था कि चीतल ग्रैंड पे रुकेंगे, क्योंकि वो मेरे हिसाब से वही कह रहे थे लोग कि बाईपास पे रुकेंगे, ये तो कोई बाईपास पता नहीं, मैं तो पहली बार रुका हूँ यहाँ पे। बाकी इस पे मैं पहले रुक चुका हूँ दीप पंजाबी ढाबा एक बार, क्योंकि हरिद्वार तो मैं काफ़ी बार आ चुका हूँ, पता ही नहीं कितनी बार आया हूँगा, क्योंकि ऋषिकेश हरिद्वार तो जाते रहते हैं घूमने फिरने के लिए, क्योंकि वन डे ट्रिप बन जाता बड़े प्यार से। मैं बाकी ये वाला पीछे का भी दिखाता हूँ, ये देखो आज तो आसमान से अलग लेवल का ऑब्सेशन हो रखा है, मतलब देखो ना, आपको खुद बताने की ज़रूरत ही नहीं है, खुद ही जस्टिस कर रहा है कैमरा आज तो। और आज बस से मतलब
बस में मैं वैसे ट्रैवल नहीं करता, लेकिन देखो मैं अपने घर वालों से लड़ाई करता था कि बस में बैठूंगा नहीं बैठूंगा, गाड़ी से ही जाना है। आज बस में ही बैठ गया दोस्तों के कहने पे, देख लो। तो बस यही होती है किस्मत। तो अभी ऑमलेट बना रहे हैं, ऑमलेट खाते फिर मिलते हैं। जस्ट मी बीइंग फूड व्लॉगर। यस। हाउ इज द ऑमलेट? बढ़िया भाई। मक्खियाँ बहुत फैल रही हैं। मेरे को तो हरी मिर्च बिल्कुल पसंद नहीं, और इसमें हरी मिर्च आ गई, मैंने भैया को बोल दो मत डालना, फिर भी क्या कर सकते हैं, खाना तो पड़ेगा ही, भूख लग रही है। चलो खाते हैं, फिर उसके बाद बस में चलते हैं। अब हम लोग पहुंच चुके हैं रुड़की कंटोनमेंट एरिया, और अब देखो वापस आसमान क्लियर हो गया है। कैमरा भाई आसमान दिखाना है यार, अपने आपको क्या दिखाएं। ले भाई ये देख लो, इन सबको खुश रहेंगे ये। दिखा दिया भाई, तो अब जा रहे हैं वापस हरिद्वार। ओके गाइस, गाइस तुम थोड़े तुम तो भाई हो। भाई बता दिया वैसे एकदम से, लोग बना देते हैं भाई। फूड ब्लॉगर मैं सोच रहा हूं भाई, कैसी है भाई? बढ़िया भाई, नाइस। यही तो आप क्यों नहीं खा रहे भैया? भाई मन नहीं कर रहा। चलो कोई नहीं, सबको पता है क्यों नहीं खा रहा। पहुंच चुके हैं हरिद्वार। वेदर ऑसम, मौसम प्लस बारिश। गुड़गांव में तो ओले पड़ रहे हैं अभी, इसकी मम्मा ने वीडियो भेजी थी और दोस्तों लोगों ने भी भेजी थी। तो कैसा लगा आपका वेलकम हरिद्वार में? बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। आपको कैसा लगा? बढ़िया लगा भाई, भगवान प्रसन्न हमसे, मौसम हो रहा है एकदम बढ़िया, मौसम हो रहा है। और कसम से बताऊं भाई, गाड़ी में जो मजा आता है ना, उससे ज्यादा ही मजा आया सच में भाई, क्योंकि जो गाड़ी चलाने वाला होता है वो बिजी रहता है, गाने के पीछे लड़ाई होती है। विदाउट गाने खुद से गाने गा के मजा करे बढ़िया। अभी बस स्टेशन जा रहे हैं, ये रहा बस स्टैंड, स्टेशन जाके कल की टिकट का पता करेंगे और फिर देखते हैं क्या होगा आगे। चलो अभी स्टेशन में चल के मिलते हैं। अभी हम लोगों को फाइनली एंड फाइनली टिकट मिल गई है, पता नहीं अलग ही है भाई, ये तो बता क्या फॉर्म, ये फॉर्म भरना पड़ेगा आपको, डिटेल शो नहीं करना चाहते हम अपनी, कर दे भाई, भाई नहीं करना चाहते भाई, नंबर नहीं दिखाना चाहते हम अपना। तो बाकी ये यहाँ का रेलवे स्टेशन है, वो देखो शिव जी की, वो बड़ी अच्छी लग रही है सामने। कहाँ पे है? कहाँ पे? हाँ जैसे हर की पौड़ी पे, मतलब वो थोड़ा सा लगा, मतलब वैसे टाइप का ही है ये। और टिकट मिल चुकी है, अब कम से कम एक झंझट तो खत्म हुआ, ट्रेन में फाइनली जाएंगे भाई, बस से आए ट्रेन से जाएंगे, फाइनल हो गए दोनों काम जो सोचा था, देख हो रहा है धीरे धीरे। और मौसम तो आपको दिख रहा होगा, अभी बारिश हो रही थी लेकिन अब रुक चुकी है, अब चलते हैं हर की पौड़ी डायरेक्ट, लेट्स गो। आ चुका मेरी रिक्शा में, टिकट संभाल ली ना भाई, तेरी जिम्मेदारी है, अगर नहीं मिली तो थर्ड एसी में, सॉरी फर्स्ट एसी में तू लेके जाएगा। जिम्मेदार हुआ है मैं बहुत भाई। है भाई है, है भाई है। चलो बाकी ये रहा मैं, हेलो। और हम रिक्शा में जा रहे हैं भर की पौड़ी, 20 रुपए सवारी में। चलो लेट्स गो। तो भाई आरती का आशीर्वाद मिल चुका आपको, मनोकामना हमेशा पूरी होती है, मानते हो? हाँ भाई जरूर होती। बिल्कुल भाई, हर हर गंगे बोल दे, हर हर गंगे भाई तू ही बोल दे। चल भाई तो सब जा रहे हैं रूम देखने, ये हमारे शान भाई रूम ब्रोकर के साथ बात करते हुए, रूम ब्रोकर हमारा पागल बनाते हुए, और ईशान भाई उनको समझाते हुए कि हम गुड़गांव के हैं, पागल नहीं बना सकते। ईशान भाई क्या हुआ? भैया जी हमें मिल गए हैं, हमें होटल का कमरा, होटल हरिद्वार फेमस है भाई 100 रुपए की चीजों के लिए, चश्मे लेना भाई रूम। अरे यार क्या कर सकते हैं भाई, अब तो हम यही चाहेंगे बस ईशान एक बारी में हाँ ना कह दे बस भाई को, अगर हो भाई भाई फ्लो दिखाओ, अच्छा है भाई फ्लो तो स्नैप भी बनाई ली। ओ भाई बिजली कटक रही है भाई, और वीडियो में रिकॉर्ड भी हो रही है, बहुत प्यारा भाई। आ जा रहे ईशान घूम हो जाएगा, ईशान हमारी जिम्मेदारी है, फोन दूर रख भाई। देख लिया एक कमरा गाइस, वो तो पसंद नहीं आया क्योंकि
रेट तो छोड़ो, हमें ना एक चीज पता चलेगी, यहाँ पे जो मोहन पूड़ी वाला देखो उसकी क्वालिटी वैसी रहेगी जो यहाँ पे जो हरी। और तो अभी एक यहीं पे ये सामने सुबह 11 बजे मिलता है, तो सुबह दिखाएंगे उसका, कह रहे हैं जेन्युइन। वैसे इसने बात पलट दी, पर अभी हमें रूम नहीं मिला, अभी वो उस पे ज्यादा फोकस है हमारा। हां पॉइंट है, पॉइंट है, पॉइंट है, पॉइंट है ना, पॉइंट है। तो अभी जा रहे हैं रूम देखते हैं। चल भाई भाईशान भाई,